हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। एक तो हेडर फाइल होता है string.h और उसके साथ printf और scanf न लगा करके getus और puts का प्रयोग हम करेंगे। जैसे अगर आप printf लिखते हैं तो उसके लिए हम printf की जगह कुछ और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? puts लिखेंगे और scanf के लिए getus लिखेंगे। आइए आपको दिखाता हूं कोड बॉक्स के ऊपर। तो यहां पर सबसे पहले तो हेडर फाइल बना लीजिए। अगर यहां पे हेडर फाइल बना देता हूं, सबसे पहले हैश इंक्लूड, आप नो भी बनाए तो भी काम चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। stdio.h फिलहाल मैं बना लेता हूं, ये हो गया। और फिर चूंकि दिखाना है string.h भी कर लेता हूं, तो हैश इंक्लूड h, ये हो गया। और फिर यहां पर हमको मेन फंक्शन बनाना है, तो हम यहां पर डायरेक्टली लिखते हैं मेन, और ये मेन लिखने के बाद एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे यहां पर। और यहां पर आने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर अब हमको कुछ लिखना है, ठीक है। जैसे हम कैर टाइप का डेटा टाइप ले लेते हैं, कैर, ओके। और यहां पर मैं दे देता हूं एक लाइक नेम दे देता हूं, नेम एनएमई नेम नाम से वेरिएबल बना लेता हूं और इसके साइज रख लेता हूं 23 24 25, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर नीचे आऊंगा तो अब printf नहीं लिखूंगा। देखिए मैं क्या लिखता हूं, यहां पर डायरेक्टली मैं लिखूंगा puts, ठीक है। और ये puts स्ट्रिंग में ही प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर लिख दिया मैंने एंटर योर नेम, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब इसको यहां से टर्मिनेट कर देते हैं, तो ये टर्मिनेट हो गया। एंटर करके नीचे आएंगे, जैसे नीचे आएंगे तो आपको याद आएगा कि scanf लिखना है, तो आप scanf भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जगह मैं लिखूंगा getus, ठीक है। तो ये getus लिख दिया हमने, और चूंकि हमने बनाया है नेम नाम से वेरिएबल, तो यहां पर सिंपली आपको टाइप कर देना है नेम, कोई डबलेटेड कॉमा नहीं देना है, इसी तरह से आप टाइप कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। एंटर प्रेस करके जैसे ही नीचे आएंगे तो अब यहां पर इसको प्रिंट भी तो करवाना है, तो यहां पर फिर लिखेंगे puts। आपको याद होगा कि get scanf लिखने के बाद हम उसको प्रिंट भी तो करवाते थे, तो अब यहां पर लिख देंगे puts, ठीक है। puts में क्या करेंगे, puts में दे देंगे नेम एन ए एम ई, हो गया काम, ठीक है। तो अब यहां पर टर्मिनेट कर दीजिए, और टर्मिनेट करने के बाद यहां पर इसको सेव कर दीजिए। तो यहां से इसको सेव करता हूं कुछ इस तरीके से, ये सेव किया हमने, डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो एक नाम दे देता हूं मैं, लाइक यहां पे नाम दे देता हूं str.c, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको एक बार कंपाइल करवाते हैं, देखते हैं प्रोग्राम सही बना है या नहीं। तो अगर हमारा प्रोग्राम सही है तो देखिए सही बना हुआ है, कंपाइल हो गया, ठीक है। अब यहां से इसको रन करवा लेते हैं, तो यहां से इसको रन भी करवा लिया हमने, और जैसे ही रन करवाएंगे तो आपको दिखेगा यहां पर एंटर योर नेम, तो यहां पर नेम एंटर कर देते हैं, ठीक है। नेम एंटर कर दिया तो यहां पे नेम एक्सेप्ट कर गया, तो यही तो है स्ट्रिंग। और इस तरह से हम गेटस और पुटस का यूज कर सकते हैं।